नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबके समक्ष इस निरगुंडी के पौधे को लेकर आया हूँ। निरगुंडी के पौधे से पहले कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से आप लोगों के बहुत फ़ोन आए मेरे पास, आपने बहुत फ़ोन किए मेरे से, पूछा सर आपका स्वास्थ्य कैसा है। इस सबके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे मुख्य बात यह है कि मेरे दादाजी, छोटे दादाजी जो कि 88 वर्ष के थे और आयुर्वेदिक प्रेमी थे, उनका शरीर एक महीने पहले पूर्ण हो गया है। इस कारण से मैंने अभी तक YouTube पर कोई वीडियो नहीं डाला एक महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये उचित भी नहीं है कि घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और हम वीडियो डालते रहे। ये मेरा अपना मानना है। निरगुंडी के पौधे के संबंध में मैं आपको कुछ एक तांत्रिक प्रयोग है जो उच्च कोटि के हैं वो बता देना चाहता हूँ। जिन बच्चों को सूखा रोग हो जाता है, सूखा रोग जिसको हम सूख फेफड़ी मसाणिया रोग बोल देते हैं, जिसके कारण बच्चा सूखता जाता है, बच्चे का पेट बाहर निकल जाता है और हड्डियाँ हड्डियाँ रह जाती है फेफड़ों पर और बड़ा सा मुँह रह जाता है, उसको बोलते हैं हम सूखा रोग। सूखा रोग बच्चे के अंदर कुपोषण से भी होता है। ये रोग अधिकतर गाँवों में देखने को मिलता है। जो बच्चे ज़्यादा मीठा खाते हैं उन लोगों के अंदर एक प्रकार का बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, कीड़ा बोलते हैं हम, जो कि उनके खून को चूसता रहता है। जो भी वो खाते हैं उनको धीरे धीरे उनके खून के माध्यम से चूसता रहता है, तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। उस कुपोषण को दूर करने के लिए आप सबसे उत्तम यह है कि शनिवार के दिन संध्या समय इसको दीपक जलाकर निमंत्रण दें और रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व की जड़ ला करके बच्चे के गले में पहना दें, तो बच्चे का जो सूखा रोग है पूर्णतया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जैसे जैसे जड़ सूखती जाएगी वैसे वैसे बच्चे का कुपोषण रोग भी दूर होता जाएगा। इसके लिए बच्चे को खाने के लिए आप चाहें तो जल जमनी का एक पत्ता छोटा सा उसकी चने के बराबर गोली बना करके भी उसको निगला सकते हैं या उसके माँ के दूध में दे सकते हैं। धन संबंधी प्रयोगों में इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था, अभी बता देता हूँ कि रवि पुष्य नक्षत्र से एक दिन पहले शनिवार की संध्या समय पीले चावल, पीले कच्चा सूत की कुकड़ी, उससे आप 21 बार ओम नमो गणपते भूपते कुबेराय स्वाहा करके 21 परिक्रमा देकर के इसको निमंत्रण दें और रविवार के दिन सुबह प्रातःकाल इसको निकाल लाएं। और पीली सरसों और जड़ और पीले धागे के साथ और एक का सिक्के के साथ अपने गले में रख दें या मुख्य द्वार पर बांध दें तो कई प्रकार की बीमारियों से आपको बचाता है, आपके गले में धन में बरकत देता है। दोस्तों आप लोगों के विशेष आग्रह पर, कहने पर मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि आप लोगों ने कहा था मेरे से कि सर आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, तो आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। विशेष करके पारद गुटिकाएँ भी रेडी हैं जिन जिन ने बोला था उन सबके लिए, ये भी बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से विकास मंगल का आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।